स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बोई कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो एक बार हमारे रेल यात्री फिर से हो जाए तैयार, आ गई है स्पेशल ट्रेन की लिस्ट। इसकी बुकिंग डेट दोस्तों रेलवे ने अनाउंस नहीं किया है और मेरा एक ही मकसद रहता है कि बुकिंग डेट से पहले आपको बताना, क्योंकि दोस्तों जब उस ट्रेन की बुकिंग हो जाएगी तो आप वो लिस्ट जानकर ही क्या करोगे, बैटिंग टिकट लेकर ही क्या करोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है बैटिंग टिकट कन्फर्म नहीं होता है। तो रेल यात्री एक बार फिर से हो जाए तैयार, इन सभी ट्रेनों की दोस्तों बुकिंग डेट रेलवे ने नहीं अनाउंस किया है। हालांकि वेबसाइट और IRCTC की रेल गेट एप्लीकेशन पे ट्रेन का नाम वहां पे आ गया है, तो फ्रेंड अभी जाके आप रूट वगैरह देख सकते हैं। टाइमिंग वगैरह सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, कौन कौन से रूट पे चलेगी, कौन कौन से डेट पे दोस्तों चलने वाली है। वीकली एक्सप्रेस रहेगी दोस्तों, हफ्ते में एक ही दिन चलेगी। और दोस्तों जितनी भी ट्रेनों की लिस्ट बताऊंगा इन सभी की रेलवे ने सात सात ट्रिप बनाई है, मतलब सात अप रहेगी और सात डाउन रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं दोस्तों जो मुंबई से चलती हैं, तो मुंबई वाली अक्सर ट्रेनें दोस्तों सुबह 8 बजे के टाइम कैंसिल शो होती हैं। जैसे ही उसका बुकिंग टाइमिंग होता है वैसे वो ट्रेन कैंसिल हो जाती है, लेकिन रेलवे रिजर्वेशन काउंटर PRS काउंटर पर इसकी बुकिंग होती है। अगर फ्रेंड आपको ऐसा लगता है ये रूट आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का सहारा ले सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेके चलो हम फटाफट उन सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए जान लेते हैं। बुकिंग के लिए दोस्तों आपको वेबसाइट और रेल गेट एप्लीकेशन पर ही विजिट करना पड़ेगा। जो हमारी पहली ट्रेन है 09:45 उधना से चल के रीवा के बीच में जाने वाली, टाइमिंग दोस्तों अगर हम देख सकते हैं 8:35 पर उधना से चलेगी और रीवा दोस्तों 3 बजे पहुँच जाएगी। और हर फ्राइडे को दोस्तों ये उधना से चलेगी और सैटरडे को पहुंच जाएगी, वापस सैटरडे को दोस्तों फिर वो रीवा से चलेगी और उसके अगले दिन दोस्तों उतना पहुंच जाएगी। इसमें दोस्तों स्लीपर, 3 टायर और सेकेंड AC के कोचेस आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसमें कितने कितने तारीख को ये सभी ट्रेनें चलने वाली। टोटल दोस्तों इसकी रेलवे ने 60 ट्रिप बनाई है, अलग अलग डेट पर दोस्तों ये सभी चलेंगी। बात की दोस्तों 09:45 की, तो दोस्तों 6 मई, 13 मई, 20 मई और 27 मई, 3 जून, 10 जून और 17 जून को चलने वाली है। वही 09:46 जो रीवा से सूरत की तरफ आएगी हर सैटरडे को, 7 मई, 14 मई, 21 मई, 28 मई और जून में दोस्तों 4 जून, 11 जून और 18 जून को दोस्तों चलने वाली है। बुकिंग दस दोस्तों इसकी नहीं अलाउंस हुई है, बुकिंग के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कौन कौन से स्टेशन पर ये रुकने वाली है। स्टेशन की बात की दोस्तों उधना, नंदूरबार, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी, पिपरिया, उसके बाद फिर नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा दोस्तों उसके अगले दिन ये पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर जो हमारी दूसरी ट्रेन है आप यहाँ पे देख सकते हैं बांद्रा टर्मिनल से चल के उदयपुर सिटी की तरफ जाने वाली 09:67, ये दोस्तों बांद्रा टर्मिनल से हर मंडे को चलेगी, उदयपुर सिटी दोस्तों ट्यूजडे को पहुँच जाएगी। इसके अंदर दोस्तों स्लीपर, 3 टायर और सेकेंड AC के कोचेस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी भी दोस्तों रेलवे ने 60-60 ट्रिप बनाई है, मतलब 7 अप रहेगा, 7 डाउन रहेगा। वीकली एक्सप्रेस से हफ्ते में एक ही दिन चलेगा। दोस्तों अगर हम डेट ऑफ रनिंग की बात कर ले तो 2 मई, 9 मई, 16 मई, 30 मई और 30 मई, 23 मई और 30 मई को चलेगी। वही जून की बात करें तो 6 जून और 13 जून को चलने वाली। वही दोस्तों 09:68 की अगर हम बात करें 3 मई, 10 मई, 17 मई, 24 मई, 31 मई और 7 जून और 14 जून को दोस्तों ये चलने वाली है। टोटल दोस्तों इतनी ट्रिप रेलवे ने बनाई है। कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है दोस्तों हम वो भी जान लेते हैं। स्टेशन की बात की दोस्तों बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देख सकते हैं नीमच, उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़, फतेहनगर, मावली जंक्शन, उसके बाद राणा प्रताप नगर। तो फ्रेंड इतने सभी स्टेशनों से होते हुए उदयपुर सिटी पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको यही स्पेशल ट्रेन की लिस्ट बताने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।